मैं ये KUB एक्सरे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये एक किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की एक्सरे इमेज है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को इस इमेज में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या नहीं। मुझे तो प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर एक वाइट शैडो है, ये शैडो एक लोअर इंड यूरेटिक स्टोन का है जो वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन के पास आकर फंस गया है। अच्छा, ये स्टोन बनते कैसे हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब है क्रिस्टल से बनते हैं। देखिए, हम जो खाना खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होते हैं उनमें कुछ ऐसे भी डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें क्रिस्टल बनाने की एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। ज़्यादा पानी पीने से ये क्रिस्टल हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे यूरिन से निकल जाते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं जो पानी कम पीते हैं। पानी की कमी से यूरिन डाइल्यूट नहीं होता और ये क्रिस्टल आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल चिपकना शुरू कर देते हैं आपस में, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और आखिर में ये क्रिस्टल स्टोन में बदल जाते हैं। जो ही ये क्रिस्टल स्टोन में बदलते हैं पेन करना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखें, स्टोन हमेशा किडनी में पहले बनता है, बाद में स्टोन माइग्रेट करके मूव करके पेशाब की नली में कहीं भी फंस सकता है, पेशाब के रास्ते में कहीं भी लॉज हो सकता है, स्टक हो सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट स्टोन के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर स्टोन छोटा है तो ज़्यादा पानी पीने से खुद ब खुद निकल जाता है, या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ड्रग से भी स्टोन निकल जाता है। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्टोन है, तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है, सर्जरी भी करानी पड़ सकती है।